टेक्निकल शिव जी साथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि टुल्लू पंप मोटर कैसे फिटिंग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं कि ये तीन लाइनें आप देख रहे हैं, तो ये भी सप्लाई की है और ये भी सप्लाई की है, और ये जो है इनलेट है जो टंकी में लोडिंग के लिए गई है। यहाँ पे हमको ये टुल्लू पंप मोटर फिटिंग करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर पुराना टुल्लू पंप मोटर है या नया है। यहाँ पे दो बुश लगाने होते हैं, एक बाई आधा का, और यहाँ भी तो दो बुश लगेंगे। हमने अभी मंगाया है, गए हैं लेने के लिए, तो ये सब निकाल देना है और नए बुश डाल देना है। पुराने बुश में नहीं लगाना है, क्योंकि पुराना बुश है दोबारा कहीं खोलने में और नहीं खुलेगा तो दिक्कत होती है। इसके बाद में यहाँ पे जो क्या क्या आइटम लगने वाली है वो आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे दो MTA लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी। इसके बाद में यूनियन लगेंगे, जो कभी भी मोटर को हमको खोल के अगर खराब हो जाती है और रिपेयर करने के लिए देना है तो यहाँ पे दो यूनियन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ दो यूनियन भी मंगा रखे हैं। ये आपके दो यूनियन हो गए, दो MTA हो गई। और इसके बाद में यहाँ पे डबल लाइन है, तो दो गेट वाल तो यहाँ जरूरी है ही, पर यहाँ पे इनको एक प्रेशर वाली लाइन चाहिए गाड़ी आड़ी धुलने के लिए, इसलिए तीन गेट वाल लगेंगे। तो एक गेट वाल हम अभी और मंगाएंगे, दो गेट वाल की यहाँ लगाने हैं, एक और लगाना है। इसके बाद में एल्बो लगेंगे यहाँ पे, टी की भी जरूरत पड़ेगी जिससे हम कनेक्ट करेंगे दोनों लाइनों को, और जो पौना के एल्बो हैं वो भी लगेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है हमने इस मकान में जो फिटिंग की है वो CPVC की फिटिंग की हुई है, जो पौना की लाइन है। तो यहाँ पे जो आइटम लगेगी पौना की ही लगेगी और सी की ही लगेगी, इसमें यू का नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सी की फिटिंग की हुई है तो सी का ही यहाँ आइटम हर एक लगने वाला है। अब इसको किस तरह से यहाँ पे फिटिंग करना है, मोटर को फिक्स करना है, सबसे पहले इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद नया बूस्ट डालेंगे, बूस्ट डालने के बाद MTA लगाएंगे, और स्टेप बाई स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि टुल्लू पंप मोटर है उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। बने रहिएगा वीडियो में, और आगे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं किस तरह से मोटर को फिटिंग करना है। इस तरह से आपको ये जो बुश लगा हुआ है इसको खोल लेना है, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो दो नोजल लगे हुए थे, एक एक बाई एक का लगा हुआ था और एक बाई एक पौना का यहाँ पे नोजल लगा हुआ था। अब वो दोनों नोजल हमने खोल लिए हैं, जो एक बाई एक का था वो खोल लिया है। अब उसकी जगह पे लगेगा ये आपका एक बाई आधा का ये बुश लग जाएगा।
आपने देखा कि हमने यहाँ पे आपको A to Z टुल्लू पंप मोटर की फिटिंग आज दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे फिटिंग करना है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नक्शा हो जाता है, एक ही जैसा हर जगह मोटर फिट नहीं कर सकते हैं। जैसी जगह होती है उसी तरह से मोटर को रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं दीवार के किनारे अगर मोटर रखना है तो इससे अच्छा और कोई जो है तरीका नहीं था, क्योंकि यहाँ का ये इस किनारे वाला पाइप भी सट के है और कम से कम जगह में इसको इस तरह से फिटिंग करना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल लाइन है, ये जो है दो लाइन है यहाँ पे, जिस लाइन से पानी आ रहा है आपको उसी को चालू करना है। अभी ऑन हो गया है, अगर ये लाइन में पानी नहीं आ रहा है तो आपको इसको ऑफ कर देना है। इसमें आ रहा है इसको ऑन कर दीजिए तो ये खींचेगा, और इसमें नहीं आ रहा है तो इसको बंद कर देना है, अब इसको चालू कर देना है। इस तरह से अगर दोनों में आ रहा है तो आप दोनों को साथ में चालू कर सकते हैं। इस तरह से दोनों में अगर पानी आ रहा है तो दोनों को भी चालू कर सकते हैं, और एक में आ रहा है तो एक को आपको बंद करना है, नहीं तो दूसरे का पानी दूसरी लाइन में जाने लगेगा, उधर भी जाने लगेगा, दूसरे के घर पे पहुंचने लगेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो आपके जो सप्लाई का पानी है वो दूसरे घर में आने लगेगा बगैर टाइम के। इसलिए जिसमें पानी आ रहा है उसको देख लेना है और एक को बंद कर देना है। इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हमने जो यहाँ पे दिया है तो ये जैसे बाइक का धुलने के लिए, गाड़ी धुलने के लिए या कहीं भी ये सब प्रेशर वाला पानी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे बाहर छोड़ दिया है। बाकी ये कंप्लीट हो गया है, ये यूनियन है। अगर हमको कभी आपको मोटर खराब हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आपको खोल लेना है। और पानी देखो आ चुका है, यहाँ पे चालू हो गया है, पानी आ गया। अरे हाँ, ये देखिए मोटर अलग हो गया है, इसको हटा सकते हैं हम। ये देखिए इसको आप इसे रिपेयर में देना है, या कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से खोल लेना है, यहाँ से ये वाल्व बंद कर देना है। अरे तो इसीलिए लगाए जाते हैं खास करके कि पानी आ गया और आपकी मोटर खराब है, खोलना है तो मोटर हटा लीजिए, पानी बंद रहेगा, नहीं तो आप अगर गेट वाल्व नहीं लगाते
और पानी आ गया और मोटर नहीं है, तो इस तरह से ये बेहतर रहेगा पानी आपका। इसके लिए खास करके ये गेट वाल लगाए जाते हैं ताकि आप इसको पहले ऑफ कर दो, इसके बाद मोटर खोल के कहीं भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गेट वाल नहीं है तो मोटर खोलेंगे तो ठीक है, जब पानी आ जाएगा तो भर जाएगा, ऐसा होता है। यहाँ भी ऐसा है, दोनों लाइन में पानी अगर आता है तो दोनों लाइन भी चालू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको इसी तरह टेक्निकल संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।